Assalamu alaikum and welcome to lecture 10. As you know, we are in the process of study of investment analysis, and we have covered investment analysis techniques in our earlier lectures, and today we will start from recap of our earlier lectures, and then we will go to the risk analysis in investment analysis. So first of all, we will see what we have studied about investment techniques, investment analysis techniques. We have studied certain investment analysis techniques, which were accounting rate of return, payback period, net present value, and internal rate of return. So you are seeing on the screen that there are different methods which we have studied, and this is basically comparison of different methods. As you see on the screen, certain criterias are mentioned: basis of measurement, measurement expressed as strength, limitations. Of all these methods which we have studied, in payback period, basis of measurement was cash flows, कि cash flows कब generate होते हैं और हमारी investment कब recover हो जाती है. In accounting rate of return, basis of measurement was accrual income. We ignored the cash flows and time value of money in accounting rate of return, and we also ignored time value of money in payback period. In net present value, we use cash flows and profitability. In internal rate of return, we also use cash flows and profitability. And in payback period, the measurement expressed as number of years. In accounting rate of return, it is expressed as percentage, and net present value is expressed as money terms, just like dollar or rupees. In internal rate of return, we expressed percentage. And then, what are the strengths of these different methods? In payback period, it is easy to understand, allows comparison across projects. क्योंकि payback period एक बहुत ही simple method है कि आपकी investment कब आपको repay हो जाएगी और कब आप अपनी investment को recover कर लेंगे, कितने अरसे में. तो उसमें हमने देखा था कि सिंपल हमने जो इनफ्लोज आ रहे हैं, जो प्रॉफिट्स आ रहे हैं, वो कितने अरसे में इन्वेस्टमेंट को कवर कर लेंगे. तो एक इन्वेस्टर के लिए ये बहुत इनिशियल स्क्रीनिंग प्रोसेस है और बहुत एक अच्छा टेक्निक है टू एनालाइज इन्वेस्टमेंट. इसके बाद अकाउंटिंग रेट ऑफ रिटर्न की स्ट्रेंथ हमने डिस्कस कर चुके हैं कि इट इज आल्सो इजी टू अंडरस्टैंड एंड अलाउज कंपैरिजन अक्रॉस प्रोजेक्ट्स. के उसमें हमने देखा था कि हम एवरेज प्रॉफिट्स या एनुअल प्रॉफिट्स, टोटल प्रॉफिट्स को उठा के डिवाइड कर देते हैं टोटल इनिशियल इन्वेस्टमेंट से, या एवरेज प्रॉफिट्स को लेते हैं और उसको डिवाइड कर देते हैं एवरेज इन्वेस्टमेंट से. तो ये काफी ईजी है एक कैलकुलेट करने के लिए और एक इन्वेस्टमेंट को एनालाइज करने के लिए. और ये दोनों मेथड में हम मुख्तलिफ प्रोजेक्ट्स को कंपेयर बहुत आराम से कर सकते हैं. नेट प्रेजेंट वैल्यू की जो स्ट्रेंथ थी कि इट कंसीडर्स टाइम वैल्यू ऑफ मनी, जो कि टाइम वैल्यू ऑफ मनी वाज इग्नोर्ड इन बोथ पे बैक पीरियड एंड अकाउंटिंग रेट ऑफ रिटर्न, बट इन कैश फ्लोज, the cash flows method of IRR and net present value both considers time value of money. क्योंकि time value of money हमने जैसे कि देखा था time value of money के concept में कि it is a very important concept कि आज
जो डॉलर की कीमत है एक साल पहले वो कुछ और थी और आज कुछ और है। तो उस जो एक साल पहले डॉलर की कीमत थी उसमें हम वो चीज़ आज नहीं खरीद सकते जो कि एक साल पहले खरीद सकते थे। जो इसलिए टाइम वैल्यू ऑफ मनी काफ़ी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है और ये हमें कहाँ मिलता है, नेट प्रेजेंट वैल्यू मेथड में और इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न मेथड में। और नेट प्रेजेंट वैल्यू अकोमोडेट्स डिफरेंट रिस्क लेवल्स ओवर अ प्रोजेक्ट्स लाइफ। हमने ये भी देखा कि जो नेट प्रेजेंट वैल्यू की बेसिक कंसिडरेशन थी उसमें काफ़ी हमने रिस्क को कवर कर लिया था कि इन्फ्लेशन अगर आ जाए, टैक्स पेमेंट्स की पेमेंट्स एरियर्स में हो जाए या एडवांस में हो जाए उसको हम कैसे लेंगे। इसके अलावा हमने वर्किंग कैपिटल की चेंजेस को भी कंसीडर उसके अंदर किया था। तो इट अकोमोडेट्स डिफरेंट रिस्क लेवल्स ओवर द प्रोजेक्ट लाइफ। और इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न की क्या दूसरी खसूसियत है, इट अलाउज कंपैरिजन ऑफ डिससिमिलर प्रोजेक्ट्स के जो प्रोजेक्ट्स ऐसे प्रोजेक्ट्स जो कि डिफरेंट है एक दूसरे से उसका कंपैरिजन इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न से हम बहुत अच्छा कर सकते हैं कि जिस प्रोजेक्ट का इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न ज़्यादा होगा हम उसको एक्सेप्ट करेंगे। जैसे कि रैंकिंग ऑफ प्रोजेक्ट्स में हमने देखा था कि जब IRR यूज़ कर रहे हैं तो उसमें रैंकिंग करना प्रोजेक्ट्स की काफ़ी इजी होता है। जिस प्रोजेक्ट का IRR ज़्यादा था वो प्रोजेक्ट हम टॉप लेवल पे लेके जाएंगे और जिस प्रोजेक्ट का IRR कम होगा वो सेकंड लेवल पे। इसका टॉप बॉटम अप्रोच यूज़ करते हुए हम प्रोजेक्ट्स को रैंक कर सकते हैं। नाउ कम टू द वीकनेसेस ऑफ दिस डिफरेंट टेक्निक्स। इन पे बैक पीरियड इट डजेंट कंसीडर टाइम वैल्यू ऑफ मनी, इट डजेंट कंसीडर कैश फ्लोज आफ्टर पे बैक पीरियड, क्योंकि पे बैक पीरियड में हम वहां पे अपने आप को लिमिट कर देते थे कि जहां तक हमारी इन्वेस्टमेंट रिकवर हो जाती थी। अगर इन्वेस्टमेंट रिकवर हो रही है 2 साल के बाद और प्रोजेक्ट लाइफ है 5 साल तो हम फ्यूचर के आखिरी के 3 साल को हम उसके कैश फ्लोज को कंसीडर ही नहीं करते, उसके बेनिफिट्स को एनालाइज ही नहीं करते, सिर्फ हम अपने आप को लिमिट करते थे ओवर द 2 ईयर्स लाइफ जहाँ तक इन्वेस्टमेंट रिकवर हो जाती है। और अकाउंटिंग रेट ऑफ रिटर्न में भी हम वी इग्नोर टाइम वैल्यू ऑफ मनी एंड इट डजेंट गिव एनुअल रेट्स ओवर द लाइफ ऑफ द प्रोजेक्ट। और नेट प्रेजेंट वैल्यू इट डिफिकल्ट टू कंपेयर डिससिमिलर प्रोजेक्ट्स, कि डिससिमिलर प्रोजेक्ट्स को हम कंपैरिजन इतने आराम से नहीं कर सकते थ्रू नेट प्रेजेंट वैल्यू। और इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न में क्या था, डजेंट रिफ्लेक्ट वेरिंग रिस्क लेवल्स ओवर द प्रोजेक्ट्स लाइफ, कि अगर रिस्क चेंज हो रहे हैं या डिफरेंट टाइप के रिस्क हैं तो उसको इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न में हम कवर नहीं कर सकते, लेकिन नेट प्रेजेंट वैल्यू में हम उसको कवर कर सकते हैं। तो एक कंपैरिजन था, समरी थी उन तमाम मेथड्स की जो हमने डिस्कस कर चुके हैं और उसका हमने एक ओवरऑल समरी फॉर्म में तो उसकी स्ट्रेंथ, वीकनेसेस, उसके मेजरमेंट बेसिस और उसकी एक्सप्रेशन हमने यहाँ पे देखी कि किस तरह वो एक्सप्रेस होते हैं। नाउ टुडे वी विल डिस्कस रिस्क दैट सराउंड्स एनी इन्वेस्टमेंट एनालिसिस मेथड, कि जब हम इन्वेस्टमेंट को एनालाइज कर रहे होते हैं तो उसमें रिस्क को हम किस तरह कवर कर सकते हैं। जैसे कि हमारे बेसिक जो इंट्रोडक्शन लेक्चर्स थे उसमें हमने रिस्क और रिटर्न्स को काफ़ी डिस्कस किया और रिस्क को हमने उसमें ये डिफाइन किया द वेरिएबिलिटी इन द रिटर्न्स, द अनएक्सपेक्टेड रिटर्न, कि जो रिटर्न्स आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं एट द टाइम ऑफ इन्वेस्टमेंट उसमें क्या वेरिएशन आ सकती है और उसमें क्या अनएक्सपेक्टेशन आ सकती है, तो वो हमारे एक इन्वेस्टर के लिए रिस्क है। तो यहां भी क्या है, रिस्क रेफर्स टू अ सिचुएशन वेयर द फ्यूचर इज अनक्लियर एंड देयर इज मोर देन वन पॉसिबल आउटकम्स। तो जैसे कि हमने अपनी बेसिक इंट्रोडक्शन लेक्चर में भी देखा था और शुरू के 3-4 लेक्चर्स में हमने काफ़ी डिटेल में डिस्कस करते रहे हैं कि रिस्क अनवेरिएबिलिटी ऑफ द रिटर्न्स होती है और उसके अलावा अनसर्टेन आउटकम इज ऑल्सो अ रिस्क फॉर इन्वेस्टर।
तो जब आपका फ्यूचर अनक्लियर हो तो इन्वेस्टर को काफी डिटेल्ड एनालिसिस करना होता है कि इस रिस्क को वो किस तरह कवर करेगा. और देर इज मोर देन वन पॉसिबल आउटकम, कि एक इन्वेस्टमेंट करते वक्त वो उसको पता होना चाहिए कि इसके आउटकम्स क्या क्या हो सकते हैं. इन्वेस्टर को ये पता होना चाहिए कि अगर पॉसिबल आउटकम ए निकलता है तो उसमें उसको बेनिफिट कितना होगा, अगर आउटकम बी निकलता है तो उसमें उसको कितना बेनिफिट होगा. तो इन्वेस्टमेंट एनालिसिस के साथ रिस्क एक एनालिसिस भी हो जाना चाहिए कि इस इन्वेस्टमेंट का क्या रिस्क है और उसको हम कवर किस तरह कर सकते हैं. तो अभी हमने इन्वेस्टमेंट टेक्निक्स को कवर किया था, मेजर इन्वेस्टमेंट टेक्निक्स को जो कि नॉर्मली यूज होती है इन्वेस्टमेंट अप्रेजल के तौर पर, और जो बाकी इन्वेस्टमेंट अप्रेजल टेक्निक्स है उसको हम अपने फ्यूचर लेक्चर में कवर कर लेंगे. लेकिन यहाँ पे हम पहले रिस्क को कवर कर लेते हैं कि रिस्क को हमें किस तरह एक इन्वेस्टर कवर कर सकता है अपनी एनालिसिस में. तो उसके लिए कुछ टेक्निक्स अवेलेबल हैं कि उन टेक्निक्स को यूज करते हुए इन्वेस्टर अपने रिस्क को कवर कर सकता है, कैलकुलेट कर सकता है और आउटकम को मोर ऑथेंटिक बना सकता है और फ्यूचर को बहुत ज्यादा क्लियर कर सकता है. द टेक्निक्स फॉर डीलिंग विद रिस्क इंक्लूड्स द एक्सपेक्टेड एनपीवी रूल, द रिस्क एडजस्टेड डिस्काउंट रेट अप्रोच, सेंसिटिविटी एनालिसिस, सिमुलेशन एंड सिनेरियो एनालिसिस. ये कुछ बेसिक टेक्निक्स हैं जिसके थ्रू एक इन्वेस्टर अपने रिस्क को डिटरमिन करके पॉसिबल आउटकम्स को चेक कर सकते हैं कि पॉसिबल आउटकम क्या हो सकता है. इसके अलावा भी कुछ और टेक्निक्स हैं लेकिन जो मोस्ट कॉमनली यूज्ड टेक्निक्स हैं वो यही टेक्निक्स हैं जो आपके सामने स्क्रीन पे अपीयर हैं. अभी इन टेक्निक्स को हम वन बाय वन देख लेते हैं और एक अंडरस्टैंडिंग बना लेते हैं, क्योंकि इन्वेस्टमेंट जब आप एनालिसिस टेक्निक सीख चुके हैं तो साथ में आपको रिस्क का भी आइडिया हो जाएगा कि रिस्क कवरेज आपने किस तरह करनी है. सो लेट्स स्टार्ट विद एक्सपेक्टेड नेट प्रेजेंट वैल्यू ENPV. इसके रूल्स क्या हैं? एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ ए प्रोजेक्ट इज द मीन वैल्यू which will be obtained if the project was repeated many times over. Yani agar project baar baar repeat kiya jaye to uska jo average nikalta hai jisko hum mean bolte hain wo expected value hoti hai. Expected value of project is the mean which will be obtained if the project was repeated many times over. Expected value is not the most likely outcome of the project. क्योंकि जब आउटकम को देखा जाता है तो उसमें मोस्ट पॉसिबल आउटकम देखते हैं, मोर लाइकली आउटकम देखते हैं और लीस्ट लाइकली आउटकम देखते हैं. तो एक्सपेक्टेड वैल्यू इज नॉट द मोस्ट लाइकली वैल्यू ऑफ द प्रोजेक्ट. इट कैन बी प्रोबेबल बट इट इज नॉट मोस्ट लाइकली आउटकम. इट इज ओनली द वेटेड एवरेज ऑफ ऑल द पॉसिबल आउटकम्स, कि जितने भी आउटकम आ सकते हैं उसका एक वेटेड एवरेज है. यानी अगर छह आउटकम निकल सकते हैं तो उसका वेटेड एवरेज आउटकम जो होगा दैट इज द एक्सपेक्टेड वैल्यू. एक्सपेक्टेड वैल्यू इज कैलकुलेटेड बाय मल्टीप्लाइंग द ईच पॉसिबल आउटकम बाय इट्स प्रोबेबिलिटी ऑफ अक्रेंस एंड देन एडिड अप. तो इसका तरीका है कि हम एक्सपेक्टेड वैल्यू को किस तरह कैलकुलेट करेंगे, कि जो भी आउटकम हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं उसको मल्टीप्लाई करेंगे उसकी प्रोबेबिलिटी के साथ और उनको सम अप करके एक्सपेक्टेड वैल्यू आउटकम निकाल लेंगे. इसको रिपीट कर लेते हैं. एक्सपेक्टेड वैल्यू इज कैलकुलेटेड बाय मल्टीप्लाइंग द ईच पॉसिबल आउटकम बाय इट्स प्रोबेबिलिटी ऑफ अक्रेंस एंड देन एडिड अप. तो हमें प्रोबेबिलिटी पहले पता होनी चाहिए कि इस आउटकम के निकलने की प्रोबेबिलिटी क्या है, जो कि डिटरमिन करते हैं मार्केट एनालिसिस के डेटा के बुनियाद पर डिटरमिन किया जाता है. और नॉर्मली मार्केटिंग डिपार्टमेंट कंपनी को बताता है कि ये आउटकम्स आपके इस इन्वेस्टमेंट को करके आ सकते हैं. तो मार्केट रिसर्च की भी इस पे
प्रोबेबिलिटीज डिफाइन की जाती हैं और पॉसिबल आउटकम्स को उन प्रोबेबिलिटीज के साथ मल्टीप्लाई करके उनको ऐड अप करके हम एक्सपेक्टेड वैल्यू डिटरमिन कर लेते हैं। तो इसमें हम एक एग्जांपल देख लेते हैं जिसमें आपको एक्सपेक्टेड वैल्यू के कॉन्सेप्ट क्लियर भी हो जाएगा, उसकी कैलकुलेशन भी आपको समझ आ जाएगी और आप ये डिटरमिन करना सीख लेंगे और समझ पाएंगे। शॉर्ट एंड लिमिटेड नीड्स टू परचेज अ मशीन टू मैन्युफैक्चर अ न्यू प्रोडक्ट, द चॉइस लाइज बिटवीन टू मशीन्स ए एंड बी। यानी उसके बाद दो ऑप्शंस अवेलेबल हैं, या तो इधर ए मशीन में इन्वेस्ट करते या इधर बी मशीन में इन्वेस्ट करते। और ये मशीन उसे क्यों चाहिए, टू मैन्युफैक्चर न्यू प्रोडक्ट। ईच मशीन हैज एन एस्टिमेटेड लाइफ ऑफ 3 ईयर्स विथ नो स्क्रैप वैल्यू। इस मशीन की जो एस्टिमेटेड लाइफ है, यूजफुल लाइफ जो, उसको आप समझ सकते हैं कि वो कितनी है, 3 साल। यानी ये मशीन ऑपरेट करेगी 3 साल तक और 3 साल के आखिर में वो उसकी कोई सेल वैल्यू नहीं होगी। मशीन ए विल कॉस्ट 30,000 पाउंड एंड मशीन बी विल कॉस्ट 40,000 पाउंड। तो दोनों की परचेज प्राइस में डिफरेंस है। मशीन ए 30,000 पाउंड की और मशीन बी है 40,000 पाउंड की। पेएबल इमीडिएटली इन ईच केस। और ये जो इन्वेस्टमेंट करेंगे, अगर जिस ऑप्शन की तरफ भी हम जाते हैं, आइदर मशीन ए और मशीन बी, उसमें हमें परचेज प्राइस फॉरन पे करनी होगी। द टोटल वेरिएबल कॉस्ट ऑफ मैन्युफैक्चर ऑफ ईच यूनिट आर pound 2 इफ मेड ऑन मशीन ए बट ओनली pound 1 इफ मेड ऑन मशीन बी। तो कॉस्ट ऑफ मैन्युफैक्चरिंग दोनों मशीन्स के लिए की बता दी गई कि अगर मशीन ए को परचेज करते हैं तो उसमें मैन्युफैक्चरिंग जो कॉस्ट आ रही है एक यूनिट को प्रोड्यूस करने की, वो आ रही है pound 2। और मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट एक यूनिट को प्रोड्यूस करने की मशीन पी पे कॉस्ट आ रही है 1 pound। तो दोनों की मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट में भी फर्क है। दिस इज बिकॉज मशीन बी इज मोर सोफिस्टिकेटेड एंड रिक्वायर्स लेस लेबर टू ऑपरेट इट। इसका रीजन बता दिया गया कि क्यों डिफरेंस है बिटवीन कॉस्ट, मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट पर यूनिट। द प्रोडक्ट विल सेल फॉर 8 pound each। अब सेल प्राइस उस प्रोडक्ट जिसको मैन्युफैक्चर करने हैं शॉर्ट एंड लिमिटेड ने, उसकी सेल प्राइस है 8 pound। द डिमांड फॉर द प्रोडक्ट इज अनसर्टेन बट इट्स एस्टिमेटेड एट 2,000 units फॉर ईच ईयर, 3,000 units फॉर ईच ईयर और 5,000 units फॉर ईच ईयर। क्योंकि डिमांड फ्यूचर की अनसर्टेन है तो उसने पॉसिबल आउटकम्स डिटरमिन किए कंपनी ने, शॉर्ट एंड लिमिटेड की मैनेजमेंट ने, कि या तो 3,000 units सेल होंगे या नंबर वन, या तो 2,000 units सेल होंगे या 3,000 units सेल होंगे या फिर 5,000 units हर साल सेल होंगे। तो देयर आर 3 possible outcomes इन रिस्पेक्ट टू डिमांड। यानी डिमांड अनसर्टेन है कि मार्केट में कितना यूज होगा और मार्केट की तरफ से कितनी डिमांड आएगी इस प्रोडक्ट की। नोट डेट वट एवर सेल्स लेवल एक्चुअली अकर्स डेट लेवल विल अप्लाई टू ईच ईयर। तो यहां भी एक एजम्पशन बता दी गई है सिनेरियो में कि डिमांड जो कुछ भी हो लेकिन जो डिमांड होगी वो पूरे साल कांस्टेंट रहेगी। अगर 2,000 units की डिमांड आती है तो पूरे साल में जो डिमांड रहेगी वो 2,000 रहेगी। अगर 3,000 की डिमांड आती है तो पूरे साल में 3,000 की डिमांड रहेगी, तो सेम रहेगी ओवर द ईयर। द सेल्स मैनेजर हैज प्लेस्ड प्रोबेबिलिटीज ऑन द लेवल ऑफ डिमांड एज फॉलोज। अभी यहां पे उसने प्रोबेबिलिटीज बता दी कि हर सिनेरियो में, या कि 2,000 डिमांड आए, 3,000 डिमांड आए या 5,000 डिमांड आए, उसकी प्रोबेबिलिटीज क्या है, कि उसके चांसेस क्या हैं कि ये डिमांड आ जाएगी। प्रोबेबिलिटीज हम देख लेते हैं कि क्या है। यहां पे आपको नजर आ रहा है कि एनुअल डिमांड अगर 2,000 हो तो उसकी प्रोबेबिलिटी है 0.2 यानी 20%। अगर 3,000 units की डिमांड आए तो उसकी प्रोबेबिलिटी है, उसके चांसेस हैं 60%, 0.6। और अगर 5,000 डिमांड आए तो उसके चांसेस है 20%,
0.2, तो हमें प्रोबेबिलिटीज पता चल गई, हमें डिमांड लेवल्स पता चल गए, हमें इनिशियल इन्वेस्टमेंट कॉस्ट पता चल गई, मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट पता चल गई और सेल प्राइस पता चल गई यूनिट्स की, दोनों केसेस में, मशीन ए के केस में भी और मशीन बी के केस में भी. प्रिज्यूम दैट बोथ टैक्सेशन एंड फिक्स्ड कॉस्ट विल बी अनअफेक्टेड बाय एनी डिसीजन मेड. ये एक और अजम्पशन सिनेरियो में बता दी गई कि टैक्सेशन ऑफ फिक्स्ड कॉस्ट अनअफेक्ट होगी बाय एनी डिसीजन मेड. सो टैक्सेशन एंड फिक्स्ड कॉस्ट आर इररिलेवेंट इन दिस सिनेरियो. क्यों? जब दो प्रोजेक्ट्स को मैंने एवेल्युएट करने तो दोनों में टैक्स का या फिक्स कॉस्ट का कोई इफेक्ट नहीं आ रहा. सो दीज आर इररिलेवेंट कॉस्ट एंड विल नॉट बी कंसीडर्ड इन एक्सपेक्टेड वैल्यू कैलकुलेशन. एक्सपेक्टेड वैल्यू कैलकुलेट करने के लिए दीज आर बोथ आर इररिलेवेंट कॉस्ट. तो अभी रिक्वायरमेंट क्या है क्वेश्चन की? कैलकुलेट द एनपीवी ऑफ फॉर ईच ऑफ द थ्री एक्टिविटी लेवल्स फॉर ईच मशीन ए एंड बी एंड स्टेट योर कंक्लूजन. तो आपने एनपीवी निकालना है पहले मशीन ए के केस में भी और मशीन बी के केस में भी, और उसका कंक्लूजन ड्रॉ करना है कि कौन सा बेहतर है और कौन सा प्रोजेक्ट बेहतर होगा जिसकी एनपीवी ज्यादा होगी. जैसा कि हम अपने एनपीवी की डिस्कशन में देख चुके हैं कि ऑलवेज दैट प्रोजेक्ट विल बी एक्सेप्टेड विच हैज अ पॉजिटिव एनपीवी विच इज अ ग्रेटर एनपीवी. और दूसरा इसकी रिक्वायरमेंट है कि कैलकुलेट द एक्सपेक्टेड नेट प्रेजेंट वैल्यू फॉर ईच मशीन एंड स्टेट योर कंक्लूजन. और जब हम एनपीवीज निकाल लेंगे तो उसके बाद हम एक्सपेक्टेड एनपीवीज निकालेंगे ओवर द यूजिंग द प्रोबेबिलिटीज एंड डिमांड लेवल गिवन इन द सिनेरियो. तो तीन सिनेरियोस हैं कि 2000 डिमांड हो, 3000 डिमांड हो या 5000 डिमांड हो. तो इन तीनों में हम अपनी नेट प्रेजेंट वैल्यू कैलकुलेट करेंगे और उसके बाद जो रिजल्ट आएगा उस पर प्रोबेबिलिटीज अप्लाई करेंगे और प्रोबेबिलिटीज अप्लाई करने के बाद उन रिजल्ट को सम अप करके एक्सपेक्टेड नेट प्रेजेंट वैल्यू डिटरमिन करेंगे. तो वो हमारा मोस्ट पॉसिबल आउटकम हो सकता है. लेट्स सी कि कैलकुलेशन किस तरह होती है. जैसा कि आपके सामने अपीयर हुआ है कि मशीन ए के केस में हमने कैश फ्लोज को मैं सबसे पहले डिटरमिन किया कि क्या कैश फ्लोज हो सकते हैं ईयर बाय ईयर, और डिमांड लेवल को बता कॉलम्स बनाए कि 2000 डिमांड हो तो क्या कैश फ्लोज होंगे, 3000 हो या 5000 हो तो उसमें क्या कैश फ्लोज हो सकते हैं. और उसमें सबसे पहले हमें टाइम जीरो पे इनिशियल इन्वेस्टमेंट मेंशन की और ईयर बाय ईयर उसके कैश इनफ्लोज को मेंशन किया. जो कैश फ्लोज कैश इनफ्लोज हमने फ्रॉम ईयर वन टू ईयर थ्री निकाले उसमें हमने सेल प्राइस को डिटेक्ट किया फ्रॉम कॉस्ट ऑफ सेल्स और मल्टीप्लाई किया बाय यूनिट्स ऑफ डिमांड. हमारी कॉस्ट ऑफ सेल इस जो है हमारी सेल प्राइस जो पर यूनिट है फॉर बोथ मशीन ए एंड मशीन बी इज 8 pounds और मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट फॉर मशीन ए इज 2 pounds पर यूनिट. तो 6 pounds पर यूनिट का हमें प्रॉफिट हो रहा है, कैश इनफ्लो हो रहा है और उसको हम मल्टीप्लाई करेंगे नंबर ऑफ यूनिट्स सोल्ड जो 2000 हो सकते हैं, 3000 हो सकते हैं, 5000 हो सकते हैं. तो उसकी बेसिस पे कैश फ्लोस हमारे आगे कि केस 2000 डिमांड अगर हो तो हमारे कितना कैश इनफ्लो होगा, 12,000 पर ईयर. अगर 3000 डिमांड हो तो हमारा कैश इनफ्लो होगा 18,000 पर ईयर, और अगर हमारा 5,000 डिमांड हो यूनिट्स का तो कैश इनफ्लो होगा 30,000 पर ईयर. तो कैश फ्लोस हमने सबसे पहले डिटरमिन कर लिए कि हर सिनेरियो में क्या क्या कैश फ्लोस हो सकते हैं. अभी यहां से हम उसका नेट प्रेजेंट वैल्यू डिटरमिन करेंगे यूजिंग द डिस्काउंट रेट. तो आप देख रहे होंगे कि ईयर बाय ईयर उनके कैश फ्लोज को हमने डिस्काउंट किया यूजिंग द प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर विच इज गिवन, और उसकी नेट प्रेजेंट वैल्यू हमने डिटरमिन कर ली. अगर 2000 डिमांड आए तो हमारा नेट प्रेजेंट वैल्यू है 2040 pounds, और 3000 डिमांड आए तो उसका नेट प्रेजेंट वैल्यू निकल रही है 18,060 pounds, और अगर 5000 डिमांड आए तो उसकी नेट प्रेजेंट वैल्यू निकल रही है 50,100 pounds. तो ये हमने
क्या किया, अपने नेट प्रेजेंट वैल्यू इन ईच केस डिटरमिन कर लिए। तो नेट प्रेजेंट वैल्यू सबसे पहले हमने कैश फ्लोज को डिटरमिन किया, सेकेंडली हमने उसके नेट प्रेजेंट वैल्यू को हर सिनेरियो में डिटरमिन किया, और नंबर थ्री पे हम क्या करेंगे कि नेट प्रेजेंट वैल्यू को उसकी प्रोबेबिलिटी के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। तो आप आगे आप देख लोगे कि 2000 डिमांड है, इसकी प्रोबेबिलिटी है 20%, 3000 डिमांड है, इसकी प्रोबेबिलिटी है 60%, और 5000 डिमांड है तो उसकी प्रोबेबिलिटी है 20%। तो रेस्पेक्टिव एनपीवीज को हमने मल्टीप्लाई किया उसकी रेस्पेक्टिव प्रोबेबिलिटी के साथ, तो हमें रिजल्ट क्या मिलता है, उसको एड अप करके हम रिजल्ट आ रहा है 21,264 पाउंड। तो दिस इज अ एक्सपेक्टेड वैल्यू, एक्सपेक्टेड आउटकम, एक्सपेक्टेड नेट प्रेजेंट वैल्यू। तो इस तरीके से हमने मशीन ए के केस में अपनी एक्सपेक्टेड नेट प्रेजेंट वैल्यू कैलकुलेट कर ली। अभी मशीन के बी के केस में हमने अपने कैश फ्लोज को स्केच किया, ड्रॉ किया कि हर सिनेरियो में क्या कैश फ्लोज जनरेट होंगे। मशीन बी के केस में सेल्स वैल्यू सेम थी 8 पाउंड, और लेकिन मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट डिफरेंट थी विच इज 1 पाउंड पर यूनिट। तो 7 पाउंड पर यूनिट का हमें फायदा हो रहा है, इनफ्लो हो रहा है, उसको हम मल्टीप्लाई करेंगे रेस्पेक्टिव डिमांड के साथ जो कि 2000 है, 3000 है, 5000 है। तो कैश फ्लोज हमारे डिटरमिन हो गए 14000, 21000 और 35000। तो ये कैश फ्लोज हमारे आ गए, और उसको हमने मेंशन कर दिया रेस्पेक्टिव ईयर के अगेंस्ट और रेस्पेक्टिव सिनेरियो में। अभी हम इसका जब हमने कैश फ्लोज डिटरमिन कर लिए तो सेकंड स्टेप हम इसका क्या करेंगे, इसकी प्रेजेंट वैल्यू कैलकुलेट करेंगे कैश फ्लोज की। इन तमाम फ्यूचर कैश फ्लोज को हम लेके आएंगे टाइम जीरो पे और उसकी फिर नेट प्रेजेंट वैल्यू कैलकुलेट करेंगे। तो डिस्काउंट फैक्टर हमने यूज करते हुए प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर निकाला, उसको मल्टीप्लाई किया उसके कैश फ्लोज के साथ, तो हमारे पास प्रेजेंट वैल्यूज आ गई ऑफ रेस्पेक्टिव ईयर्स, उनको एड अप करके हमारे नेट प्रेजेंट वैल्यू आ गई। 2000 डिमांड हो तो इसमें हमारी जो नेट प्रेजेंट वैल्यू है वो 2620 आउटफ्लो निकल रही है, और अगर 3000 डिमांड हो तो उसमें हमारी जो नेट प्रेजेंट वैल्यू निकल रही है वो 16,070 निकल रही है इनफ्लो, और अगर 5000 यूनिट्स की डिमांड हो तो उसमें हमारी नेट प्रेजेंट वैल्यू निकल रही है 53,450 पाउंड। तो हमने हर सिनेरियो का नेट प्रेजेंट वैल्यू डिटरमिन कर लिया। नाउ इन थर्ड स्टेप वी विल मल्टीप्लाई द नेट प्रेजेंट वैल्यू विद द रेस्पेक्टिव प्रोबेबिलिटी एंड देन वी विल अराइव एट द एक्सपेक्टेड नेट प्रेजेंट वैल्यू ऑफ केस ऑफ मशीन बी। तो 20% है 2000 यूनिट्स के लिए, 60% है 3000 यूनिट्स के लिए प्रोबेबिलिटी, और 20% है प्रोबेबिलिटी फॉर 5000 यूनिट्स। जब नेट प्रेजेंट वैल्यू को हमने रेस्पेक्टिव प्रोबेबिलिटीज के साथ मल्टीप्लाई करके ऐड किया तो हमारी एक्सपेक्टेड वैल्यू आ रही है 19,808 विच इज लेस देन द मशीन ए केस। मशीन बी में हमारी रेस्पेक्टेड नेट प्रेजेंट वैल्यू एक्सपेक्टेड वैल्यू आ रही है 19,808। सो एक्सपेक्टेड वैल्यू हम यूं डिटरमिन करते हैं और यूं अपने रिस्क को कवर कर लेते हैं कि जो कि फ्यूचर अनसर्टेन है जिसमें डिमांड का आपको एग्जैक्ट आइडिया नहीं है, तो उसमें आप प्रोबेबिलिटीज डिफाइन कर लेते हैं कि डिमांड क्या क्या हो सकती है, क्या क्या लेवल पे ऑपरेट हो सकता है, और उन डिमांड्स को देखते हुए, उन प्रोबेबिलिटीज को देखते हुए आप अपने रेस्पेक्टिव सिनेरियोज में नेट प्रेजेंट वैल्यू लेके आएंगे और उसको मल्टीप्लाई करेंगे विद रेस्पेक्टिव प्रोबेबिलिटीज, उनको एड अप करेंगे तो एक्सपेक्टेड वैल्यू आ जाएगी आपके पास। तो उस आप कंपैरिजन कर सकते हैं बिटवीन ऑप्शंस, और आप एक इन्वेस्टर अपने आप को सेव कर सकता है कि अगर कोई भी प्रोबेबिलिटी हो जाए, कोई भी सिनेरियो क्रिएट हो जाए तो उसमें वो मोस्ट पॉसिबल आउटकम क्या होगा। नाउ वी आर एट द रिस्क एडजस्टेड डिस्काउंट रेट। पहला था एक्सपेक्टेड नेट प्रेजेंट वैल्यू, सेकेंड मेथड इज रिस्क एडजस्टेड डिस्काउंट रेट।
डिस्काउंट रेट का आप शुरू से सुनते हुए आ रहे हैं, जब से हमने नेट प्रेजेंट वैल्यू की डिस्कशन शुरू की थी, कि डिस्काउंट रेट इज द रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न रिक्वायर्ड बाय द इन्वेस्टर, यानी इन्वेस्टर को मिनिमम रेट ऑफ रिटर्न जो चाहिए होता है उसको हम डिस्काउंट रेट बोलते हैं, उसको हम रेट ऑफ रिटर्न बोलते हैं, रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न बोलते हैं, और वो कंपनी की सूरत में कॉस्ट ऑफ कैपिटल होता है या वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल होता है। तो यहाँ पे अगर रिस्क एनालिसिस में उसको देखा जाए तो एक इन्वेस्टर अपने डिस्काउंट रेट में रिस्क का एलिमेंट इंक्लूड करके उसको रिस्क एडजस्टेड डिस्काउंट रेट बना लेता है, और उसकी बेस पे अपने कैश फ्लोज को डिस्काउंट करके एक मोस्ट पॉसिबल आउटकम डिटरमिन कर लेता है कि ये अगर रिस्क कोई भी आ जाए तो उसके बाद जो उसका प्रेजेंट वैल्यू निकल रही है, नेट प्रेजेंट वैल्यू डिटरमिन हो रही है, डेट इज रिस्क एडजस्टेड, और अगर वो पॉजिटिव है देन द प्रोजेक्ट कैन बी एक्सेप्टेबल टू द इन्वेस्टर, अगर नहीं है पॉजिटिव नहीं है तो ऐसा प्रोजेक्ट उसके लिए रिजेक्टेबल होगा। दिस अप्रोच टू इन्वेस्टमेंट डिसीजन मेकिंग प्रोसेस इज एन अटेम्प्ट टू डील विद रिस्क इन अ मैनर डेट टेक्स अकाउंट ऑफ द एटीट्यूड ऑफ द डिसीजन मेकर, यानी इट डिपेंड्स ऑन द इन्वेस्टर जिसने डिसाइड करना है कि वो उसने ये इन्वेस्टमेंट करनी है नहीं करनी। जब वो ये डिसाइड कर लेता है, किस बेसिस पे डिसाइड करता है कि वो अपने रिस्क फैक्टर्स को आइडेंटिफाई कर लेता है और उन रिस्क फैक्टर को इंक्लूड कर लेता है अपने कॉस्ट ऑफ कैपिटल या रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न या डिस्काउंट रेट में, और उसकी बेसिस पे वो कैलकुलेट कर लेता है अपने कैश फ्लोज की प्रेजेंट वैल्यू, और नेट प्रेजेंट वैल्यू जो आती है वो रिस्क एडजस्टेड होती है। तो ये एक तरीका है अपनी इन्वेस्टमेंट में रिस्क को जज करने का या रिस्क को हैंडल करने का। इसमें एग्जांपल है, बिफोर एनी इन्वेस्टमेंट्स आर कंसीडर्ड द डिसीजन मेकर शुड बिगन बाय डिटरमिनिंग एन एप्रोप्रिएट डिस्काउंट रेट फॉर रिस्क फ्री इन्वेस्टमेंट। यानी इन्वेस्टर को अगर बिल्कुल अपने आप को सेफ साइड पे रखना हो, वो कौन सा रेट यूज करेगा, हमने बेसिक इंट्रोडक्टरी लेक्चर में भी देखा था कि अगर उसने इन्वेस्टर को बिल्कुल सेफ साइड पे रहना हो तो वो ही विल यूज रिस्क फ्री रेट ऑफ रिटर्न। वो कहाँ से मिलता है, वो गवर्नमेंट सिक्योरिटीज से मिलता है, गवर्नमेंट बॉन्ड से मिलते हैं, जहाँ पे वो सेफ होता है कि उसे सेफर रिटर्न मिलेगा। लेकिन हमने साथ साथ ये देखा था व्हेन देयर इज अ रिस्क देयर विल बी मोर रिटर्न। सो बिफोर एनी इन्वेस्टमेंट्स आर कंसीडर्ड द डिसीजन मेकर शुड बिगन बाय डिटरमिनिंग एन एप्रोप्रिएट डिस्काउंट रेट फॉर रिस्क फ्री इन्वेस्टमेंट। सपोज दैट अ रेट ऑन सच बॉन्ड्स इशूड बाय द गवर्नमेंट इज करंटली 7%, यानी रिस्क फ्री रेट जो अवेलेबल है मार्केट में दैट इज 7%। और कहां से मिला, वो गवर्नमेंट सिक्योरिटीज का हमने रेट देखा, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज पे 7% मिल रहा है, सो दिस इज वी कंसीडर दिस रेट एज रिस्क फ्री रेट ऑफ रिटर्न। दिस फिगर शुड बी यूज्ड एज द बेस फॉर फ्रॉम विच डिस्काउंट रेट्स आर कैलकुलेटेड फॉर रिस्की इन्वेस्टमेंट्स। सो दिस फिगर 7% को हम यूज करेंगे एज अ बेस जहां से हम अपना रिस्क फैक्टर डिटरमिन करेंगे और रिस्की इन्वेस्टमेंट्स के कैलकुलेशन के रिस्क एडजस्टेड डिस्काउंट रेट डिटरमिन करेंगे। तो ये यहां से बेसिस हमें मिल जाती है रिस्क फ्री रेट ऑफ रिटर्न से, कि रिस्क फ्री रेट ऑफ रिटर्न अगर 7% है तो उसमें रिस्क अगर डालते हैं जो कि डिपेंड करता है डिसीजन मेकर पर, इन्वेस्टर पर, तो वो अपना अपनी चॉइस के मुताबिक रिस्क डिटरमिन करके उस रिस्क फैक्टर में एड अप कर सकते हैं। यहाँ पे इस टेबल में कुछ फैक्टर्स बताए गए हैं, क्लास ऑफ रिस्क बताया गया है और एग्जांपल ऑफ टाइप ऑफ प्रोजेक्ट बताया गया है कि अगर ये रिस्क लेवल हो तो उसकी किस टाइप ऑफ प्रोजेक्ट हो सकता है, रिस्क प्रीमियम और डिस्काउंट रेट, कि 7% हमारा रिस्क फ्री रेट है तो अगर ये लेवल ऑफ रिस्क हो तो उसके लिए क्या प्रोडक्ट होगा, क्या प्रोजेक्ट होगा, और उसमें रिस्क प्रीमियम यानी रिस्क का कितना एलिमेंट डालना होगा और डिस्काउंट रेट क्या हो जाएगा कंपनी का रिस्क प्रीमियम डालने से। फॉर एग्जांपल वेरी लो लेवल ऑफ रिस्क है तो उसके लिए वो प्रोजेक्ट क्या अवेलेबल है फॉर इन्वेस्टर के बाइंग अ बॉन्ड। बॉन्ड एक ऐसी चीज है जिसमें रिस्क
काफी कम होते हैं। बॉन्ड एक ऐसी चीज है जिसमें रिस्क बहुत कम होते हैं। जब रिस्क कम है तो उसका रिस्क प्रीमियम जो डिटरमिन किया गया है डेट इज 1%। आपका 7% रिस्क फ्री रेट ऑफ रिटर्न था और 1% हमने रिस्क प्रीमियम इन्वेस्टर ने अपना जज कर लिया कि 1% अगर वो बॉन्ड में जाता है, अगर गवर्नमेंट सिक्योरिटीज में नहीं जाता, अगर गवर्नमेंट सिक्योरिटीज में जाता है तो उसके लिए सेफर साइड है 7%, फिक्स रिटर्न है, सेफ साइड है, तो वो 7% रन करता रहेगा। अगर वो रिस्क लेना चाहते हैं तो अपना रेट ऑफ रिटर्न वो क्या कर लेगा 8%, क्योंकि 7% रिस्क फ्री रेट ऑफ रिटर्न प्लस 1% रिस्क प्रीमियम फॉर बॉन्ड, सो हिज रेट ऑफ रिटर्न डिस्काउंट रेट वुड बी 8%। इफ ही गोज फॉर लो लेवल ऑफ रिस्क, फर्स्ट लेवल वॉज वेरी लो लेवल ऑफ रिस्क, सेकेंड लेवल इज लो लेवल ऑफ रिस्क, इसके लिए क्या प्रोजेक्ट अवेलेबल है, इम्प्रूवमेंट इन एग्जिस्टिंग फैक्ट्री, यानी अगर कोई इन्वेस्टर की अपनी फैक्ट्री है उसको इम्प्रूव कर ले तो ऐसी इन्वेस्टमेंट लो लेवल है, क्योंकि उसकी ऑलरेडी इन्वेस्टमेंट लगी हुई है और इस इन्वेस्टमेंट में और एडिशनल इन्वेस्टमेंट करके ये अगर लो लेवल ऑफ रिस्क डिटरमिन किया जा रहा है तो उसमें रिस्क प्रीमियम क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं इन्वेस्टर 3%, तो उसका डिस्काउंट रेट क्या हो जाएगा 7, रिस्क फ्री रेट ऑफ रिटर्न प्लस रिस्क प्रीमियम एंड हिज रेट ऑफ रिटर्न वुड बी 10%। नाउ इफ ही गोज फॉर मीडियम लेवल ऑफ रिस्क देन द प्रोजेक्ट अवेलेबल इज इंक्रीज इन एग्जिस्टिंग आउटपुट, यानी जो आउटपुट पे वो काम कर रहा है उसकी अगर फैक्ट्री 100 आउटपुट दे रही है तो उसमें इंक्रीज करके वो 200 पे ले जाता है, दिस इज मीडियम लेवल ऑफ रिस्क। और इसका रिस्क प्रीमियम क्या डिटरमिन कर रहे हैं 5%, तो हिज डिस्काउंट रेट वुड बी 7% रिस्क फ्री रेट ऑफ रिटर्न प्लस रिस्क प्रीमियम विच इज 5%, सो इट बिकम्स डिस्काउंट रेट बिकम्स 12%। इसी तरह हाई लेवल है, वेरी हाई लेवल है, तो इस तरह हम रिस्क प्रीमियम एक इन्वेस्टर डिटरमिन करके उसको रिस्क फ्री रेट ऑफ रिटर्न में एड अप करके अपना डिस्काउंट रेट डिटरमिन कर सकते हैं और इसको हम कहते हैं रिस्क एडजस्टेड कॉस्ट ऑफ कैपिटल या रिस्क एडजस्टेड डिस्काउंट रेट। तो ये एक दूसरा तरीका था जिसके थ्रू हम रिस्क को इन्वेस्टमेंट में हैंडल कर सकते हैं, चेक कर सकते हैं और इसके थ्रू डिटरमिन कर सकते हैं। द यूज ऑफ रिस्क एडजस्टेड डिस्काउंट रेट द यूज ऑफ रिस्क एडजस्टेड डिस्काउंट रेट अप्रोच टू इन्वेस्टमेंट अप्रेजल इज इनडीड अ कॉमन सेंस अप्रोच, हाउएवर इट इज सब्जेक्टिव, पर्टिकुलरली द चॉइस ऑफ द रिस्क प्रीमियम्स एंड द असाइनमेंट ऑफ द प्रोजेक्ट्स टू अ पर्टिकुलर रिस्क क्लासेस बेस्ड ऑन पर्सन जजमेंट। लेकिन यहां पे जो डिसएडवांटेजेस हैं या डिफिकल्टीज हैं एक इन्वेस्टर के लिए वो ये है कि यहां पे काफी सब्जेक्टिविटी इन्वॉल्व है, यानी उसे खुद अपनी जजमेंट यूज करके या मार्केट डेटा जो भी डेटा अवेलेबल है उसको एनालाइज करके ये अपना जज करना है कि उसका रिस्क प्रीमियम क्या है और आइदर इट इज लो लेवल ऑफ रिस्क, हाई लेवल ऑफ रिस्क और रिस्क प्रीमियम डिटरमिन करना, ये सब सब्जेक्टिव नेचर की चीजें हैं। तो इट डिपेंड्स ऑन द डेटा और इट डिपेंड्स ऑन हिज जजमेंट, तो इसकी बेसिस पे वो रिस्क प्रीमियम आइडेंटिफाई करके अपना रिस्क एडजस्टेड वैक निकाल सकते हैं। नाउ वी कम टू द थर्ड मैटर विच इज सेंसिटिविटी एनालिसिस। जैसा कि इसके नाम से जाहिर है सेंसिटिविटी, कोई चीज सेंसिटिव होती है तो उसे हल्का सा कोई इफेक्ट हो तो वो जाहिर हो जाता है कि इसे कोई इफेक्ट हुआ है। जैसे कि इंसान भी इनसेंसिटिव होते हैं कुछ, और इसी तरह मार्केट एलिमेंट्स हैं कुछ जो काफी सेंसिटिव होते हैं। हमें कराची स्टॉक एक्सचेंज है जो कि एक ऐसी मार्केट है जहां पे इफेक्ट आते हैं और एक अच्छी मार्केट की निशानी है कि अगर कोई इंफॉर्मेशन मिलती है, कुछ होता है, इकोनॉमिक एनवायरनमेंट चेंज होता है, पॉलिटिकल एनवायरनमेंट चेंज होता है तो उससे मार्केट पे इफेक्ट आता है, उसके रिजल्ट्स पे इफेक्ट आता है, उसकी ट्रेडिंग पे इफेक्ट आता है। तो सेंसिटिव एनालिसिस, सेंसिटिविटी एनालिसिस इन इन्वेस्टमेंट अप्रेजल। सो व्हाट इज सेंसिटिविटी एनालिसिस,
Sensitivity analysis is a procedure that calculates the changes in the net present value given a change in one of the cash flow elements such as product price. Ek dafa repeat kar lete hain isko. Sensitivity analysis is a procedure that calculates the changes in the net present value given a change in one of the elements of one of the cash flow elements such as product price. जब हम नेट प्रेजेंट वैल्यू कैलकुलेट कर रहे होते हैं, अगर उसका एक एलिमेंट भी हम चेंज कर दें तो उससे टोटल नेट प्रेजेंट वैल्यू पे जो इफेक्ट आएगा डेट इज सेंसिटिव. और यहां से हम हर एलिमेंट की सेंसिटिविटी निकाल लेते हैं कि कैश फ्लो की जो नेट प्रेजेंट वैल्यू की कैलकुलेशन है उसमें कौन सा एलिमेंट कितना सेंसिटिव है. क्योंकि एक इन्वेस्टर को यह समझना जरूरी है कि अगर वो इन्वेस्टमेंट करने जा रहे हैं उसके लिए काफी एलिमेंट्स उसकी कैलकुलेशन में बहुत ज्यादा एलिमेंट्स है. उसकी इनिशियल इन्वेस्टमेंट है, उसका डिस्काउंट रेट है, उसकी सेल्स वॉल्यूम है, उसकी सेल्स प्राइस है, उसका कॉस्ट ऑफ मटेरियल है, कॉस्ट ऑफ लेबर है, नंबर यूनिट्स ऑफ मटेरियल है, यानी काफी आइटम्स हैं जो कि उसकी बिल्ट उसके काफी एलिमेंट्स हैं जो कि मिलकर उसकी इन्वेस्टमेंट एनालिसिस को कंप्यूट कर रहे हैं. तो एक एक एलिमेंट की सेंसिटिविटी को चेक करना इंपॉर्टेंट है एक इन्वेस्टर के लिए कि उसकी नेट प्रेजेंट वैल्यू कितनी इफेक्ट हो सकती है बाय चेंजिंग एनी वैल्यू ऑफ एलिमेंट्स. विद सेंसिटिविटी एनालिसिस ईच ऑफ द फिगर्स यूज्ड इज द एनपीवी इज एग्जामिन्ड इन टर्न टू डिटरमिन हाउ वेरिएशंस फ्रॉम द एस्टिमेटेड फिगर्स इंपैक्ट ऑन द एनपीवी. तो इसमें हम ये करते हैं कि पहले अपनी नेट प्रेजेंट वैल्यू कैलकुलेट करके एक एक एलिमेंट में चेंज करके देखते हैं कि वो कितना इफेक्ट हो रहा है थ्रू एनी चेंज. तो उसके बाद हम रेशियो निकाल लेते हैं और रेशियो से हमें ये पता चल जाता है कि कौन सा एलिमेंट कितना सेंसिटिव है. और जो एलिमेंट सेंसिटिव होता है उससे इन्वेस्टर अपने रिस्क को कवर कर लेते हैं, क्योंकि जहां पर अनसर्टेनिटी ज्यादा हो जाती है वहां पे उसका रिस्क ज्यादा हो जाता है. तो उस रिस्क को कवर करने के लिए उसके पास चॉइसेस आ जाती है, उसको वो हैंडल कर सकता है, उसको वो टैकल कर सकता है. नाउ सेंसिटिविटी एनालिसिस हेल्प्स मैनेजर्स टू गेन बेटर अंडरस्टैंडिंग ऑफ द नेचर एंड डिग्री ऑफ रिस्क एसोसिएटेड विद द प्रोजेक्ट. तो एक उसका फायदा बताया गया है कि इससे एक अच्छी अंडरस्टैंडिंग डेवेलप हो जाती है एक इन्वेस्टमेंट मैनेजर के लिए, एक इन्वेस्टमेंट एनालिस्ट के लिए, कि किस एलिमेंट को चेंज करके कितना इफेक्ट आ सकता है उसके रिजल्ट्स में और कितना रिस्क एसोसिएटेड है विद एनी एलिमेंट. बिकॉज इट रिवील्स द मार्जिन ऑफ सेफ्टी एसोसिएटेड विद ईच की वेरिएबल रिलेटिंग टू अ पर्टिकुलर प्रोजेक्ट. इट इज अ फॉर्म ऑफ ब्रेक इवन एनालिसिस. The point at which NPV is equal to zero is a break-even point. ये तो हम सबको पता है कि break-even point वो होता है जहां पे आपका result equal to zero हो जाए, no gain, no loss वाली situation हो जाए. तो that point is called break-even. यानी ऐसा point जहां पे ना आपको कुछ फायदा है ना आपको नुकसान है. तो sensitivity analysis से आप ये determine कर सकते हैं कि आपका break-even point क्या है. Sensitivity analysis identifying the key or critical variable that is those with short margin of safety. क्योंकि हर इन्वेस्टर को अपना मार्जिन ऑफ सेफ्टी डिटरमिन करना होता है कि कितना मार्जिन रख के वो अपनी इन्वेस्टमेंट के साथ खेल सकता है, कितना इन्वेस्टमेंट वो कर सकता है, कहाँ पे उसे अपने सेफ अपने आप को रखना है, कहाँ पे उसने उसे खतरा कम है, रिस्क कम है, और कहाँ पे वो खुल के इन्वेस्ट कर सकते हैं. तो मार्जिन ऑफ सेफ्टी उसे डिटरमिन करना होता है और सेंसिटिविटी एनालिसिस से अपना मार्जिन ऑफ सेफ्टी कैलकुलेट कर सकते हैं, पता चल सकता है कि कौन सा उसका ऐसा एरिया है जहां पे उसे मार्जिन ऑफ सेफ्टी बहुत कम है. यहां पे कुछ फॉर्मूलेस गिवन है कि सेंसिटिविटी एनालिसिस फॉर एनी एलिमेंट किस तरह डिटरमिन किया जाएगा. यहां पे मुख्तलिफ एलिमेंट्स हैं और उसकी सेंसिटिविटी कैलकुलेशन के लिए फार्मूलाज गिवन है. इन फार्मूलों का यूज करते हुए आप सेंसिटिविटी कैलकुलेट कर सकते हैं फॉर दीज एलिमेंट्स. फॉर एग्जांपल सेलिंग प्राइस, सेलिंग प्राइस में कितनी सेंसिटिविटी है वो आप किस तरह कैलकुलेट कर सकते हैं कि नेट प्रेजेंट वैल्यू ऑफ द प्रोजेक्ट डिवाइडेड बाय प्रेजेंट वैल्यू ऑफ सेल्स. इसके लिए सबसे पहले आपको
नेट कैश फ्लो डिटरमिन करनी, कैश फ्लो स्केच करनी होगी। कैश फ्लो स्केच करके आपको हर एलिमेंट का प्रेजेंट वैल्यू कैलकुलेट करनी होगी, यानी फॉर सेल्स की प्रेजेंट वैल्यू, कॉस्ट ऑफ सेल्स की प्रेजेंट वैल्यू, और उसके बाद जो वेरिएबल कॉस्ट हैं और फिक्स कॉस्ट जो भी हो उसकी प्रेजेंट वैल्यू कैलकुलेट करनी होगी, और टोटल नेट प्रेजेंट वैल्यू भी उस प्रोजेक्ट की कैलकुलेट करनी होगी। जब आप कैलकुलेशन करेंगे उसके बाद आप सेंसिटिविटी एनालिसिस कर सकते हैं। उसमें वो यहाँ पे फार्मूलाज की मैंने जैसे कि सेलिंग प्राइस का है कि सेलिंग प्राइस आपकी सेंसिटिविटी कैसे निकालेंगे, नेट प्रेजेंट वैल्यू ऑफ द प्रोजेक्ट डिवाइडेड बाय प्रेजेंट वैल्यू ऑफ द सेल्स। इसी तरह सेल्स वॉल्यूम की आप सेंसिटिविटी चेक कर सकते हैं कि सेल्स वॉल्यूम की वजह से कितना सेंसिटिव हो सकता है प्रोजेक्ट। उसके लिए आप क्या करेंगे, नेट प्रेजेंट वैल्यू ऑफ द प्रोजेक्ट डिवाइडेड बाय प्रेजेंट वैल्यू ऑफ द कॉन्ट्रीब्यूशन मार्जिन। तो यहां पे आपको कॉन्ट्रीब्यूशन मार्जिन कैलकुलेट करना होगा, उसकी प्रेजेंट वैल्यू। कॉन्ट्रीब्यूशन मार्जिन का आप लोगों को आइडिया होगा कि कॉन्ट्रीब्यूशन मार्जिन क्या होता है। कॉन्ट्रीब्यूशन मार्जिन इक्वल टू सेल्स माइनस डायरेक्ट कॉस्ट, यानी सेल्स में से आप डायरेक्ट कॉस्ट निकाल दें या जो कॉस्ट ऑफ सेल्स होती है नॉर्मली उसको निकाल दें, तो उसके बाद आपके पास जो मार्जिन बचता है डेट इज कॉन्ट्रीब्यूशन मार्जिन। तो सेल्स वॉल्यूम की आपको सेंसिटिविटी चेक करने के लिए ये फॉर्मूला यूज करना होगा, नेट प्रेजेंट वैल्यू ऑफ द प्रोजेक्ट डिवाइडेड बाय प्रेजेंट वैल्यू ऑफ द कॉन्ट्रीब्यूशन मार्जिन। तो इससे आपको वॉल्यूम का आइडिया हो जाएगा कि वॉल्यूम में हल्का सा चेंज आता है तो उससे आपकी टोटल एनपीवी पे कितना इफेक्ट आ रहा है। इसके बाद वेरिएबल कॉस्ट की आप कैलकुलेट कर सकते हैं। वेरिएबल कॉस्ट के लिए आप करेंगे नेट प्रेजेंट वैल्यू ऑफ द प्रोजेक्ट डिवाइडेड बाय प्रेजेंट वैल्यू ऑफ द वेरिएबल कॉस्ट। इस तरह फिक्स कॉस्ट की निकाल सकते हैं, नेट प्रेजेंट वैल्यू ऑफ द प्रोजेक्ट डिवाइडेड बाय प्रेजेंट वैल्यू ऑफ द फिक्स कॉस्ट। इसके बाद आप कॉस्ट की निकाल सकते हैं या फिर इनिशियल इन्वेस्टमेंट की निकाल सकते हैं कि इनिशियल इन्वेस्टमेंट इज हाउ मच सेंसिटिव। वो किससे निकलेगी, वो इससे निकलेगी कि नेट प्रेजेंट वैल्यू ऑफ द प्रोजेक्ट डिवाइडेड बाय प्रेजेंट वैल्यू ऑफ द इन्वेस्टमेंट। और डिस्काउंट रेट की निकाल सकते हैं, और नॉर्मली डिस्काउंट रेट जो होता है आपका सेंसिटिविटी कहां पे आती है, व्हेन डिस्काउंट रेट इज इक्वल टू आईआरआर। आईआरआर क्या था, इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न एट विच द एनपीवी इज इक्वल टू जीरो, एट विच द एनपीवी इज इक्वल टू जीरो। जैसा कि हम आईआरआर में देख चुके हैं कि आईआरआर वो पॉइंट है जहां पे आपका नेट प्रेजेंट वैल्यू हो जाती है इक्वल टू जीरो, और हम सेंसिटिविटी में भी देख चुके हैं कि सेंसिटिविटी वो पॉइंट होता है जहां पे आपका नो गेन नो लॉस वाली सिचुएशन हो जाती है। जो डिस्काउंट रेट के केस में सेंसिटिविटी सेंसिटिव पॉइंट क्या होगा, व्हेन इट इज इक्वल टू आईआरआर। इसके अलावा प्रोजेक्ट लाइफ का सेंसिटिविटी निकाल सकते हैं। प्रोजेक्ट लाइफ की सेंसिटिविटी कैसे कैलकुलेट करेंगे, टोटल लाइफ माइनस डिस्काउंटेड पे बैक पीरियड, टोटल लाइफ माइनस डिस्काउंटेड पे बैक पीरियड डिवाइडेड बाय टोटल लाइफ। तो इस तरीके से आप प्रोजेक्ट लाइफ की सेंसिटिविटी निकाल सकते हैं, क्योंकि प्रोजेक्ट लाइफ चार साल का है, अगर उसमें हम उसको फोर एंड हाफ ईयर्स का करते हैं या उसको थ्री एंड हाफ ईयर्स का करते हैं तो उससे आपकी नेट प्रेजेंट वैल्यू पे कितना इम्पैक्ट आ सकता है ये आप कैलकुलेट कर सकते हैं। इसके बाद हम इसके एक क्वेश्चन देख लेते हैं। स्विफ्ट लिमिटेड विच हैज अ कॉस्ट ऑफ कैपिटल ऑफ 12%, यानी इसका रेट रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न स्विफ्ट लिमिटेड का गया 12%, यानी कि डिस्काउंट रेट इसका गया 12%। इज कंसीडरिंग द इन्वेस्टमेंट ऑफ 7 million pounds इन एन इम्प्रूव्ड मोल्डिंग मशीन प्रोजेक्ट विद अ लाइफ ऑफ 4 years। उसकी इनिशियल इन्वेस्टमेंट कितनी है, 7 million pounds, और उसकी यूजफुल लाइफ प्रोजेक्ट की कितनी है, 4 years। The garden ornaments produced will retail at £9.20 each. यह इसके मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट एंड कॉस्ट £6 ईच टू मेक, यानी उसकी सेल प्राइस 9.20 और उसकी कॉस्ट ऑफ सेल £6। इट इज एक्सपेक्टेड दैट 800,000 ornaments will be sold each year. What are the key variables for the project?
तो एक पूरे सिचुएशन है जिसमें आपको मुख्तलिफ एलिमेंट्स बता दिए गए, उस एलिमेंट्स में से कौन सा एलिमेंट सबसे ज्यादा सेंसिटिव है ये आपने कैलकुलेट करना है। तो इसमें सबसे पहले आप कैश फ्लोज को डिटरमिन करेंगे आइटम बाय आइटम, और उसके बाद उन आइटम्स की आपको प्रेजेंट वैल्यू कैलकुलेट करनी होगी और नेट प्रेजेंट वैल्यू ऑफ द प्रोजेक्ट कैलकुलेट करनी होगी। इसमें आपको यूजफुल लाइफ पता है, डिस्काउंट रेट पता है, इनिशियल इन्वेस्टमेंट पता है, नंबर ऑफ प्रोडक्ट्स का पता है वो यानी वॉल्यूम, और आपको सेल प्राइस का पता है, और आपको वेरिएबल कॉस्ट का पता है। तो पहले आप कैश फ्लोज को स्केच करेंगे, उसके प्रेजेंट वैल्यू को डिटरमिन करेंगे, और उसके बाद नेट प्रेजेंट वैल्यू को कैलकुलेट करके सेंसिटिविटी एनालिसिस ऑफ ईच एलिमेंट कर लेंगे। तो यहाँ पे सॉल्यूशन में सबसे पहले क्या गया, नेट प्रेजेंट वैल्यू ऑफ द प्रोजेक्ट कैन बी एक्सप्रेस्ड इन टर्म्स ऑफ द प्रोजेक्ट वेरिएबल्स एज फॉलोज। नेट प्रेजेंट वैल्यू किससे निकलेगी कि हम कैश फ्लोज, नेट कैश फ्लोज निकाल के उसको मल्टीप्लाई कर देंगे प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर के साथ, और प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर के साथ मल्टीप्लाई करके आपको क्या मिल जाएगी, यहाँ पे नेट प्रेजेंट वैल्यू किसके बराबर है कि कैश, जो नेट कैश आउटफ्लोज आएंगे उसको प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर पे मल्टीप्लाई करके आपको नेट प्रेजेंट वैल्यू मिल जाएगी। इसके लिए एक तो तरीका ये है कि आप स्केच करें कैश फ्लोज को ईयर बाय ईयर, आइटम बाय आइटम उसकी प्रेजेंट वैल्यू निकालें हर एक आइटम की, और उसको एडअप करेंगे तो नेट प्रेजेंट वैल्यू आ जाएगी। वरना एक यहाँ पे तरीका जो इक्वेशन मेंशन है वो भी उसी चीज को रिप्रेजेंट कर रही है, नेट प्रेजेंट वैल्यू इक्वल टू सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट मल्टीप्लाई बाय द नंबर ऑफ आइटम्स, और इसको मल्टीप्लाई करेंगे आप क्यूमुलेटिव प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर के साथ, और उसमें से माइनस कर देंगे इनिशियल इन्वेस्टमेंट, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ द इनिशियल इन्वेस्टमेंट। इस फॉर्मूले में आपको बताया गया है कि कौन सा एलिमेंट, कौन सा नंबर किस चीज को रिफ्लेक्ट कर रहे हैं, एस इक्वल टू सेलिंग प्राइस पर यूनिट, सी वी सी इक्वल टू वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट, एन नंबर ऑफ आइटम्स सोल्ड पर ईयर, एंड आई जीरो इनिशियल इन्वेस्टमेंट, और सी पी वी एफ इक्वल टू क्यूमुलेटिव प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर फॉर 4 ईयर्स एट 12%। यानी यहाँ पे कैश फ्लोज एक सीक्वेंस के साथ फ्लो हो रहे हैं, सेल प्राइस, वेरिएबल कॉस्ट प्राइस और यूनिट सेम है, तो एक सीक्वेंस में इवन फ्लो में कैश फ्लो जनरेट हो रहे हैं 4 सालों तक। तो उसको एनवीटी के टेबल यूज करते हुए, एनवीटी का फॉर्मूला यूज करते हुए 12% डिस्काउंट रेट पे आप 4 सालों का 4th ईयर का आप डिस्काउंट फैक्टर निकाल लेंगे, और उसको मल्टीप्लाई कर देंगे अपने कैश इनफ्लो पर ईयर के साथ, और उसको माइनस कर देंगे इनिशियल इन्वेस्टमेंट से, तो आपकी आ जाएगी नेट प्रेजेंट वैल्यू। इन तमाम फैक्ट जो क्वेश्चन में हमें चीज़ें प्रोवाइड की गई हैं, इंफॉर्मेशन डेटा प्रोवाइड किया गया है, उसको पुट करें इस फॉर्मूले में, तो यहाँ पे आपके पास रिजल्ट आ गया है। इंसर्टिंग द इंफॉर्मेशन गिवन इन द क्वेश्चन एंड फाइंडिंग द क्यूमुलेटिव प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर फ्रॉम एनवीटी टेबल वी हैव द रिजल्ट। जैसे 9.20 सेल प्राइस थी, 6 उसकी वेरिएबल कॉस्ट ऑफ मैन्युफैक्चरिंग थी, 800,000 उसके नंबर ऑफ यूनिट थे, और 3.037 जो निकला है वो क्या है, प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर ऑफ 12% एट 4th ईयर, और जो 7 मिलियन उसने इनिशियल इन्वेस्टमेंट बताई थी उसे माइनस किया तो हमारे पास आ गया रिजल्ट इक्वल टू जीरो, यानी ब्रेक इवन हो गया ये। अगर हम इसमें सेंसिटिविटी एनालिसिस को कैलकुलेट करें तो सबसे पहले हमारे पास इनिशियल इन्वेस्टमेंट है, इनिशियल इन्वेस्टमेंट की सेंसिटिविटी चेक करना चाहें तो क्या करेंगे हम कि उसी फॉर्मूले में अगर हम यूं कर लें कि इनिशियल इन्वेस्टमेंट को ऑपोजिट साइड पे ले जाएं और बाकी फार्मूले को दूसरी जगह प्लेस करें, तो उससे हमारे पास इनिशियल इन्वेस्टमेंट की कॉस्ट आ रही है, इनिशियल इन्वेस्टमेंट की कॉस्ट आर कितनी आ रही है, 7,774,720 pounds, यानी कि कितना इंक्रीज आया, 774,720 pounds, जो कि 11.1% इंक्रीज है एज कंपेयर टू गिवन इन्वेस्टमेंट। गिवन इन्वेस्टमेंट इज 7 मिलियन
और जो सेंसिटिविटी एनालिसिस हमने निकाली है इन्वेस्टमेंट की अमाउंट वो निकली है 11.7 इंक्रीज्ड. तो इससे हमें क्या पता चला कि जो इनिशियल इन्वेस्टमेंट है डेट इज 11.1% सेंसिटिव है एज कम्पेयर टू प्लान्ड इन्वेस्टमेंट. ये इस फॉर्मूले से भी निकाल सकते हैं, जो फार्मूला हमने आपको शुरू में डिफाइन किया था उस फार्मूले से भी आप कहते हैं हर एलिमेंट की सेंसिटिविटी कैलकुलेट कर सकते हैं. नाउ यहाँ पे इस स्लाइड में आपके पास सामने सेल प्राइस की सेंसिटिविटी और वेरिएबल कॉस्ट की सेंसिटिविटी आ रही है. तो सेल प्राइस की सेंसिटिविटी उसी फॉर्मूले को यूज करते हुए निकाल सकते हैं या जो फॉर्मूला शुरू में आपको दिखाया था उससे भी निकाल सकते हैं. इसमें सेल प्राइस के अलावा बाकी सारे कंपोनेंट्स को फिट इन कर दिया फॉर्मूले में तो आपके पास सेल प्राइस निकल आई 8.88 जो कि इंक्रीज है 3.5% से एज कम्पेयर टू गिवन सेल प्राइस. गिवन सेल प्राइस वॉज 9 और जो सेंसिटिविटी एनालिसिस हमने निकाली है डेट इज 8.88. इट मीन्स के इट इज 3.5% सेंसिटिव एज कम्पेयर टू प्लांट सेल्स. दिस इज द वेरिएबल कॉस्ट की निकाली उसी फॉर्मूले वेरिएबल कॉस्ट के अलावा तमाम चीजें फॉर्मूले में पुट करके जो हमारी कॉस्ट निकली कॉस्ट सेंसिटिविटी निकली डेट इज 5.3%. इट मीन्स कॉस्ट वेरिएबल कॉस्ट इज 5.3% सेंसिटिव एज कम्पेयर टू प्लांट वेरिएबल कॉस्ट. तो इसके बाद सेल्स वॉल्यूम है आखिरी एलिमेंट. सेल्स वॉल्यूम की हमने बाकी एलिमेंट्स को पुट करके सिवाय वॉल्यूम के जो सेंसिटिव जो हमें अमाउंट मिली डेट इज 720-283 एंड प्लांट जो आउटपुट था जो क्वेश्चन में गिवन था डेट इज 800,000 यूनिट्स और जो इस फॉर्मूले से निकली है डेट इज 728-283 यानी 79,717 यूनिट्स आपके कम बन सकते हैं. तो हाउ मच इट इज सेंसिटिव 79,717 डिवाइडेड बाय 800,000 सो इट इज 10% सेंसिटिव एज कम्पेयर टू ओरिजिनल सेल्स वॉल्यूम. तो यहाँ पे आपने देखा कि हमने आइटम बाय आइटम तमाम एलिमेंट्स की सेंसिटिविटी कैलकुलेट की, उसके लिए फार्मूलाज भी आपको बताए. दो तरीकों से कैलकुलेट हो सकते हैं. एक फार्मूलाज वो जो आपको शुरू में इकट्ठे सारे दिखा दिए और दूसरा सिनेरियो इस क्वेश्चन में हम आपको दिखा दिए. अभी इसको रैंक किया जाए कि कौन से एलिमेंट सबसे ज़्यादा सेंसिटिव है वो हम आगे चल के देखते हैं. अच्छा, इसमें एक चीज जो मिस हो गई थी वो है डिस्काउंट रेट. तो जो रिजल्ट आया हमारे पास वो है 720,283 यूनिट्स जो कि 79,717 यूनिट्स कम है एज कम्पेयर टू प्लान यूनिट्स विच वॉज गिवन इन द क्वेश्चन. तो इट मीन्स इट इज 10% सेंसिटिव एज कम्पेयर टू ओरिजिनल प्लान सेल्स वॉल्यूम. तो यहां से हमें सेल्स वॉल्यूम की सेंसिटिविटी पता चल गई. तो इसके बाद जो एलिमेंट हमारे पास है वो है डिस्काउंट रेट. अभी हमने डिस्काउंट रेट की सेंसिटिविटी चेक करनी है. अगर उसी फॉर्मूले में हम बाकी एलिमेंट्स पुट करते हैं अदर देन डिस्काउंट रेट तो हमारे पास जो आर है क्यूमुलेटिव प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर डेट इज 2.734 जो कि इंक्रीज है 5%. यूजिंग द इन्वर्टेड टेबल 2.743 कॉरेस्पॉन्ड टू द डिस्काउंट रेट. अगर इस जो फैक्टर हमें मिला है क्यूमुलेटिव प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर उसको इन्वर्टेड टेबल में पुट करें और यूजफुल लाइफ जो हमें पता है कि वो यूजफुल लाइफ इस प्रोजेक्ट की कितनी है 4 साल तो उस 4 साल के कॉलम में इसे पुट करें तो हमारे पास क्या आ जाएगा उसकी परसेंटेज. जो परसेंटेज हमें मिल रही है वो मिल रही है 17% एंड जो और जो हमें क्वेश्चन में गिवन था वो क्या था 12%. तो देयर इज एन इंक्रीज ऑफ 5% इंक्रीज इन द एज कम्पेयर टू प्लान विच इज 42% इंक्रीज है. एन इंक्रीज ऑफ 5%
in absolute terms of 42% in the current project discount rate. 5 divided by 12 तो 42% का इंक्रीज आ रहा है उसके डिस्काउंट रेट के अंदर. तो यहां से हमने सेंसिटिविटी आइटम हर आइटम की एलिमेंट की चेक कर ली. अगर इसको हम रैंक करें तो हमारे पास रिजल्ट्स आ जाएंगे कि सेंसिटिव एनालिसिस के जो हमने इस क्वेश्चन में आइटम पर आइटम देखे हैं उसमें कौन सा आइटम कितना सेंसिटिव है उसके एक टेबल में पुट करके देखते हैं कि हमारे पास पहले वेरिएबल्स है सेल्स वॉल्यूम सेल्स प्राइस वेरिएबल कॉस्ट डिस्काउंट रेट और इनिशियल इन्वेस्टमेंट उसके ओरिजिनल जो गिवन डेटा था हर एलिमेंट का वो है जैसे सेल्स वॉल्यूम 800,000 सेल्स प्राइस 9.20 वेरिएबल कॉस्ट 6 पाउंड डिस्काउंट रेट 12% और इनिशियल इन्वेस्टमेंट 7 मिलियन पाउंड. और जो कि हमने सेंसिटिविटी एनालिसिस से अमाउंट जो एलिमेंट डिटरमिन किए वो हैं सेल्स वॉल्यूम 720 7283 8.88 इज द सेल्स वॉल्यूम 6.32 इज द वेरिएबल कॉस्ट 17% इज द डिस्काउंट रेट एंड 7,774,720 इज द पाउंड इज द इनिशियल इन्वेस्टमेंट. तो अगले कॉलम में उसका डिफरेंसेस मेंशन किए हुए हैं उस डिफरेंसेस को अगर ओरिजिनल के साथ कंपेयर किया जाए तो परसेंटेजेस आ गए हमारे पास. तो और उसकी सेंसिटिविटी हमने आखिर में मेंशन कर दी कि विच एलिमेंट इज मोर सेंसिटिव विच एलिमेंट इज हाई सेंसिटिव विच एलिमेंट इज लो सेंसिटिव. सो इन अकॉर्डेंस विद द रिजल्ट्स वी हैव ऑब्टेन आफ्टर डूइंग सेंसिटिविटी एनालिसिस सेल्स वॉल्यूम इज लो एज इट इज 10% यानी 10% तक अगर कोई चेंज आएगा तो फिर इफेक्ट आएगा नेट प्रेजेंट वैल्यू में. तो इट इज लो सेंसिटिव. और जो सेल्स प्राइस है डेट इज 3.5% सेंसिटिव यानी उसमें 3.5% भी इफेक्ट आ जाएगा तो नेट प्रेजेंट वैल्यू आपकी चेंज हो जाएगी. तो इट इज हाई. वेरिएबल कॉस्ट में 5.3% है विच इज ऑल्सो हाई. डिस्काउंट रेट इज 42% सेंसिटिव विच इज वेरी वेरी लो एंड इनिशियल इन्वेस्टमेंट इज 11.1% सेंसिटिव विच इज ऑल्सो लो. तो इन दिस सिनेरियो द मोस्ट सेंसिटिव आइटम्स आर सेल्स प्राइस एंड वेरिएबल कॉस्ट. कि इन दो एलिमेंट्स में अगर चेंज आता है या इफेक्ट आता है तो उससे आपकी नेट प्रेजेंट वैल्यू उससे आपके आउटकम बहुत डिफरेंट हो सकते हैं बहुत चेंज हो सकते हैं. तो दिस बोथ एलिमेंट्स आर मोस्ट सेंसिटिव इन रिलेशन टू दिस सिनेरियो. तो इससे हमने देखा कि एक इन्वेस्टर अपनी इन्वेस्टमेंट को सेव कर सकता है वो इन दो आइटम से फोकस करके अपने आउटकम को सर्टन बना सकता है. तो दिस इज अ सेंसिटिविटी एनालिसिस. इसको एडवांटेज और डिसएडवांटेजेस भी देख लेते हैं क्योंकि इट इज द मोस्ट कॉमनली यूज्ड एंड मोस्ट वाइडली यूज्ड मेथड इन रिस्क एनालिसिस. एडवांटेजेस क्या है. इट इज यूजफुल इन डायरेक्टिंग द अटेंशन ऑफ मैनेजर टू द मोस्ट सेंसिटिव वेरिएबल्स ऑफ द प्रोजेक्ट. डिसएडवांटेजेस क्या है. डज नॉट फॉर्मली क्वांटिफाई रिस्क डज नॉट क्लियरली प्रोवाइड एनी क्लियर आउट डिसीजन रूल. तो ये इसके एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस थे सेंसिटिविटी एनालिसिस के. इसके बाद इसकी समरीज की गो थ्रू कर लेते हैं क्योंकि काफी लंबा ये टॉपिक था और इसमें काफी एलिमेंट्स थे. सेंसिटिविटी एनालिसिस वन मेथड ऑफ एनालाइजिंग द रिस्क आउट सराउंडिंग कैपिटल एक्सपेंडिचर प्रोजेक्ट एंड एनेबल्स एन असेसमेंट टू बी मेड ऑफ हाउ रेस्पॉन्सिव द प्रोजेक्ट एनपीवी इज टू चेंजेस इन द वेरिएबल्स यूज टू कैलकुलेट द एनपीवी. यानी किसी भी वेरिएबल में कुछ चेंज आ जाता है तो एनपीवी पे क्या इफेक्ट आता है. तो सेंसिटिविटी एनालिसिस से हमसे उसकी ये चेक कर लेते हैं कि विच एलिमेंट इज सेंसिटिव टू द आउटकम. अ सेंसिटिविटी एनालिसिस कैलकुलेट्स द कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ इनकरेक्टली एस्टिमेटिंग अ वेरिएबल इन योर एनपीवी एनालिसिस. यानी अगर कोई एरर हो रहा है इन्वेस्टमेंट एनालिस्ट से या कोई एनालिसिस करते हुए इन्वेस्टर से कोई मिस्टेक हो गई है या कोई वेरिएबल उसने गलत चूज कर लिया है तो उससे क्या इफेक्ट आएगा. ये सेंसिटिविटी एनालिसिस करके
वो अपने आप को सेव कर सकते हैं, अपनी मिस्टेक को करेक्ट कर सकते हैं. इट फोर्सेस यू टू आइडेंटिफाई द वेरिएबल्स अंडरलाइंग योर एनालिसिस, टू फोकस ऑन हाउ चेंजेस टू दीज वेरिएबल्स कुड इम्पैक्ट द एक्सपेक्टेड नेट प्रेजेंट वैल्यू, टू कंसीडर व्हाट एडिशनल इंफॉर्मेशन शुड बी कलेक्टेड टू रिजोल्व अनसर्टेनिटीज अबाउट द वेरिएबल्स. So this is about the sensitivity analysis. Now we will move to new technique of risk assessment in investment appraisal techniques, which is scenario analysis. जैसे कि इसका नाम जाहिर कर रहा है scenarios, यानी अगर कोई risk आप assess कर रहे हैं तो उसके लिए scenarios बना के उसके risk को आप cover कर सकते हैं कि अगर risk आ जाए तो आपकी आउटकम का सिनेरियो ये हो सकता है. तो मुख्तलिफ सिनेरियोज बना के आप मुख्तलिफ उसमें रिस्क डाल के अपने आउटकम्स को सर्टेन कर सकते हैं या उसको असेस कर सकते हैं. अ सिनेरियो एनालिसिस इन्वॉल्व चेंजिंग सेवरल वेरिएबल्स एट वंस इन योर एनपीवी फोरकास्ट. तो इसमें आप मुख्तलिफ वेरिएबल्स को मुख्तलिफ चेंज करके या रिस्क एलिमेंट्स को इंक्रीज करके डिक्रीज करके आप आउटकम्स को चेक कर सकते हैं कि किस सिनेरियो में क्या आउटकम निकल रहा है. एंड द अनदर टॉपिक इज सिमुलेशन इन रिस्क असेसमेंट ऑफ इन्वेस्टमेंट अप्रेजल. सिमुलेशन क्या होती है? सिमुलेशन एनालिसिस यूजेस अ कंप्यूटर टू जनरेट हंड्रेड्स और इवन थाउजेंड्स ऑफ पॉसिबल सिनेरियोस. यानी सिनेरियो एनालिसिस का एक वाइड रेंज ऑफ यूटिलिटी है जिसको हम सिमुलेशन बोलते हैं, जिसमें कंप्यूटर्स और मशीन्स यूज होती हैं कि वो कैलकुलेट करके दें नंबर्स के क्या आउटकम आ सकते हैं. अ प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन इज असाइंड टू ईच कॉम्बिनेशन ऑफ वेरिएबल्स टू क्रिएट एन एंटायर रेंज ऑफ पोटेंशियल आउटकम्स. तो इसमें प्रोबेबिलिटीज यूज होती हैं, हर एलिमेंट के लिए प्रोबेबिलिटी डाली जाती है कि ये एलिमेंट इतना अफेक्ट हो जाए तो क्या चांसेस हैं, और इसमें अगर इंक्रीज आए तो इसके क्या चांसेस हैं, डिक्रीज आए तो इसके क्या चांसेस हैं, कांस्टेंट है तो इसके क्या चांसेस हैं. हर एलिमेंट को उसमें फिट इन करके देखा जाता है, उससे पोटेंशियल आउटकम्स डिटरमिन किए जाते हैं. और ये एक सिमुलेशन टेक्निक है जिसको लिए आपको मशीन्स और उसमें कैलकुलेशन आप एक अच्छे इफेक्टिव तरीके से कर सकते हैं. तो ये आज के हमारे टॉपिक्स थे जिसमें हमने अपने तमाम रिस्क असेसमेंट टेक्निक्स को देखा कि इन्वेस्टमेंट एनालिसिस करते हुए आप रिस्क को किस तरह कैटर कर सकते हैं, रिस्क को किस तरह डिटरमिन कर सकते हैं, और अपने मार्जिन ऑफ सेफ्टी को किस तरह इंक्रीज कर सकते हैं. क्योंकि हर इन्वेस्टर अपनी इन्वेस्टमेंट को सेफ साइड पे रखना चाहता है और एक सेफ रिटर्न एक्सपेक्ट कर रहा होता है. सो दिस इज ऑल अबाउट रिस्क असेसमेंट इन इन्वेस्टमेंट अप्रेजल. और इसके साथ आज के हमारा डिस्कशन यहाँ पे खत्म होती है, और आगे चल के हम अपने टॉपिक्स को कंटिन्यू करेंगे, इन्वेस्टमेंट अप्रेजल के टॉपिक्स को, और उसमें और प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स की टेक्निक को भी एक कंसीडर कर लेंगे, और उसके बाद हम डिस्काउंट रेट्स पे भी आगे डिस्कस करेंगे. सो आज का सेशन यहाँ पे ख़त्म होते हैं. सो थैंक यू वेरी मच, और अल्लाह हाफिज़.